Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel and those who all are new to my channel, this is Marzina Khan. तो जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, हम जा रहे हैं हमारी मॉम के घर पे. माजिन ने इतना सताया हमको, मम्मी याद आ गई. हम जा रहे हैं हमारी मम्मी से मिलने. हैं खुश, इतना मस्ती कर रहा है ये. देखो देखो, ये इतना शांत बच्चा कौन है, चुपचाप बैठा है, जो घर पे इतनी मस्ती, इतना चिल्ला रहा था और देखो बाहर लेके आए, उसे चुपचाप बैठा है. माशाल्लाह, उसको बाहर आना था. घर में कब से घर में था ना, थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए, है ना माजिन? ये देखो घर पहुंचते साथ अटैक, माजिन पे अटैक. कहाँ लेके जा रहे मेरे बच्चे को किडनैप करके? माजिन, उसको उसको पहचाना नहीं ना वो. माजिन मेरे को अभी पहचान लिया, देखो. हाँ, सब गम भूल जाते गुड्डे को देख के मेरे. इधर माजिन पूरा गम भूल जाती हूँ. इधर कौन सा गम आया? सब जो भी जितना गम. सो गाइस, आज की सैरी मेरे घर पे होने वाली है और हम आज क्या खाने वाले हैं वो हम बताएंगे जैसे खा के ही निकलेंगे. सो सैरी की तैयारी करते हैं, टाइम हो चुका है. स्टार्ट करते हैं चाय से. मम्मी पहले तुम शक्कर डालते हैं? हाँ. मैं अदरक डालती हूँ. चलो इसके बाद क्या डालते हो तुम बताओ? हाँ, शक्कर के बाद मम्मी डालते हैं चाय पत्ती. सोसाइटी चाय पत्ती. हाँ, सोसाइटी, हम लोग भी सोसाइटी चाय पत्ती. महंगी से महंगी हो लेकिन यही पसंद है. हाँ, सही बोल रहे. पचास हजार की, 50,000 की बस इतनी सारी मम्मी इतनी डालते हो तुम? 8 चम्मच डालो. मैं तो 2 चम्मच डालती हूँ. ज्यादा चाहिए तुम्हारा? तुम लोग का चम्मच छोटा बड़ा होएगा? हम लोग का चम्मच छोटा है. आप लोग ज्यादा नहीं है. इसके बाद जा रहा है अदरक. ग्रेट करके डालते तो ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है फूटने से. हाँ, अच्छा रहे. इसके लिए मैं भी ऐसे ही डालती हूँ. हम इसके बाद आप दूध डालते हो मम्मी? हाँ, हम दस्ते में कूट के डालती हूँ. हाँ, वो तो पता है, पर इससे ज्यादा फ्लेवर आता है पूरा, मतलब अच्छे से वो हो जाता है ना. चलो माजिन बुला रहा है, देख के आती हूँ. गरम गरम ब्रून पाव आ चुके हैं. बहुत ही मस्त है बॉडी ये तो, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम. और नरम पाव भी आ चुके हैं. चिकन का सालन भी आ चुका है, जिसको चिकन का सालन खा. मम्मी बोले भी नहीं, गला में चटका लग गया. डॉक्टर ने मना किया बैंड होने, उतना ही बैंड होएगा. ये अभी बहुत बीमार हो गए थे जैसे मैंने आपको बताया. ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना. तो हमने अभी से रमज़ान के लिए सोचा है कि ऐसा पेपर प्लेट लेंगे खाने का और डायरेक्ट डस्टबिन में, क्योंकि मेरे घर में बड़ी फैमिली है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. मम्मी को और अब्बा धोते हैं मेरे बर्तन वैसे, तो ये अच्छा है, ईजी है. सैरी में देखो, हैवी फूड तो मैं खाती नहीं हूँ, बट मैंने खाना नहीं खाई तो खाना खाऊंगी खाने के हिसाब से. इकरा, और उसके बाद सैरी के लिए ब्रून पाव और चाय खाएंगे. ओके, स्पेशल हाफ फ्राई. माजिन क्या किया? खा के हो गया, अभी चाय और ब्रून पाव खाएंगे. उससे पहले सैरी में थम्सअप भी पी रहे हैं. आप लोग भी पीते हो क्योंकि बता रहा हूँ, मैं भी पी लेती हूँ. तो नमाज पढ़ के हमारा हो गया है, अभी हम घर के लिए निकलेंगे. लेट्स गो शिबा खाला, चलो. लेट्स गो चलो. शिबा खाला को तो नहीं आना है मुझे लग रहा है. नहीं यार, आना है मुझे. आना है? नींद आ रही है. चलो चलो लेट्स गो. तो हम निकल चुके हैं और मेरा भाई छोड़ने आ रहा है मुझे, और साथ में इक्कू भी आई है. और कौन है? वो तो मेरे पीछे पीछे भाग के आई है. माजिन भी उठ गया. बाय बाय, अल्लाह हाफिज. ये क्या सोए नहीं? तुम्हारा वेट कर रहा था यार. ले लो शेष. मुझे लगता है ये लड़का मुझे आज भी सोने नहीं देगा.
आज बन रहे हैं आलू के भजिए, रोज बनते हैं, इसका बैटर भी रेडी है। आज का स्पेशल है मूंग दाल भजिया और ये हमारे चिकन के समोसे, मेरी फेवरेट और माजन की भी फेवरेट चिकन भी बनानी पड़ती है क्योंकि को पसंद है और इन लोग को समोसे पसंद मुझे है, तो हम लोग को बहुत पसंद है। तो ये होममेड ही है हमारे जो मैंने बताया था, तो ये तो हमारा रहता है फिक्स और एक एक डिश मतलब रोज ऐड होती है। आज मूंग दाल की भजिया है, हम लोग खाएंगे इसको चटनी के साथ और सॉस के साथ, बहुत मज़ा आती है खाने में। और ये पालक के पत्ते भी है ना, हाँ ये भी बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं। माजिन खान उठ चुके हैं और वो देख रहे हैं कि खाने में क्या क्या पक रहा है। माजिन माजिन ने आज फिर सोने नहीं दिया ना, माजिन क्यों ऐसा करते हो? ये देखो रेडी हो चुका है, चलो अभी बाहर लगाते हैं। माजिन चलो, माजिन भी खाएगा। ये उठाए इसके लिए गुस्से में बैठा है और ये मम्मी दूसरी प्लेट रेडी कर रही है नेपल को देने के लिए। ऐसे एक कामिल बरकत और आफियत अता, मन की दुनिया बदल दे मौला, दिल की दुनिया बदल दे, इल्लत किल्लत और सिल्ला से बचा, इल्लत किल्लत और सिल्ला से बचा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। इफ्तार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हमको लगे हैं चाय की तलब, तो हम चाय पी रहे हैं अदरक वाली। उसके साथ मुझे मन किया पाव फ्राई खाने का, तो वो खा रहे हैं। और आज बना है ब्लैक दाल, उसको बोलते हैं अक्का मसूर की दाल, जो मेरी फेवरेट है, और साथ में राइस। माजिन मेरे साथ खाने वाला है अभी। माजिन गर्म है ना बेटा, गर्म है। माजिन हेलो, माजिन डैड को पकड़ो, डैड को पकड़ो। कैसे पकड़ते हो? कि प्यार से पकड़ लेते हो। माजिन गया अपने डैड के साथ प्रोटीन लेने। देखो मैं तो देख के रो रहा है उसको लग रहा है मैं छोड़ के जा रही मुझे और माजिन को राउंड राउंड कराने लेके आए और वो प्रोटीन लेने गए, तो मैं वेट कर रही हूँ का। तो बस लोग प्रोटीन लेके आएंगे, तो हम लोग एक एक राउंड राउंड करेंगे और फिर घर जाएंगे और फिर व्लॉग एंड करेंगे। ये देखो इतना वेट करा है और आ रहे हैं डैड और बेटे, इतना हैवी प्रोटीन लिए है और माजिन को भी पकड़े। संभाल के आओ, संभाल के। माजिन क्या खा रहे हो? किशमिश। अरे वाह, प्रोटीन पूरे देख रहा था, इतना घूर घूर के सब। दाल थोड़ी माजिन के हिसाब से फीकी बनाई थी, तो मैं अपने से थोड़ी मिर्ची वाली दाल बना रही। माजिन जब तक सोया है तो मैं खाना खा लेती हूँ, मैं भी सो के उठी हूँ। एक कटोरी में दाल एंड राइस के साथ नली फ्राई, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो ये है मेरा आज का खाना और इसके बाद हम करेंगे सहरी, मतलब सहरी को अभी टाइम है, अभी 12:30 हो रहा है और गुरु जी का स्ट्रीम चालू है। सो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं अपना ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टिल द टाइम। दिस इज़ मंजीना खान साइनिंग आउट, बाय बाय।